हम बात करेंगे ये युवा लोगों से बिहार के बारे में, बिहार के बारे में ये क्या सोचते हैं, सभ्यता द्वार है तो सभ्यता द्वार के साथ साथ इनके अंदर क्या भावना जाती है सभ्यता द्वार को देख के, उसके बारे में आप बताइए। सभ्यता द्वार को देखने के बाद आपके अंदर क्या भावना जाती है? अंदर भावना यही जाती है कि मतलब बिहार सरकार जो भी काम कर रहा है बिहार को लेकर के, तो मतलब उसके गौरव को दिखाने की सोच। गौरव तो वही सरकार की बात, लेकिन आपके पर्सनली आपके अंदर से आप क्या चाहते हैं कि बिहार रहता हो, या आप क्या करते हैं? मैं तो एक स्टूडेंट हूँ क्लास 12। आप भी, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार के अंदर, अगर आप क्लास 12 हों 10 हों कोई भी जी एम एम अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है, आपका एक पैकेट रोड पे ना फेंकना, डस्टबिन में फेंकना, यही एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है जी अपने आप में। और आपको सभ्यता द्वार के बारे में आपको कहना है, इसके बारे में बताइए आप। सर बोलिए, गंगा के किनारे इतना मस्त मौसम है यहाँ पे, शौचालय में बोल दीजिए कि सबका द्वार अच्छा है, वहाँ लोग जाके पढ़ लिख सकते हैं। आप बोलिएगा तो दुनिया भर के लोग इसको देखेंगे जाएगा। और ये आपकी प्रशंसा हो ना हो, लेकिन बिहार की प्रशंसा तो होगी ना, कुछ बताइए। बिहार सभी राज्य से बेटर राज्य है, और यहाँ के स्टूडेंट अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हैं। यहाँ के हर एक साल स्टूडेंट आईएएस आईपीएस में एक्सेलेंट निकल रहे हैं। ये यही था मैं जो पहले बोल रहा था, बिहार पहले गौरवान्वित राज्य महसूस करता था, लेकिन आज भी आईएएस आईपीएस सबको यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल करप्शन के कारण बिहार को बहुत गलत नज़रिए से देखा जा रहा है, और ये एक टेंडेंसी है जो कि पिछले 15 सालों में मेरे हिसाब से ये बहुत हद तक बदल चुकी है। और इसके लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में फिर से वही बिहार हम लोग कायम कर सकें। तो आप भी बोलिए। स्टार्ट होगा कि बिहार के स्टूडेंट अगर दूसरे राज्य में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, तो अपना परिचय नहीं देता है कि हम बिहार के, लेकिन बिहार हमें गर्व है कि मेरा जन्म बिहार में और हम बिहार से हैं, क्योंकि यहाँ पर काम जो हो रही है इस सरकार द्वारा जो देखने लायक है, यहाँ पर सभ्यता द्वार है जो देखने लायक है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर साफ सफाई रहता है, यहाँ पर सिगरेट की हर कदम पर मिल रही है, गंगा के किनारे है, यहाँ गंगा किनारे है, यहाँ खुली हवा बहती है पश्चिम दिशा से, और यहाँ गंगा की सफाई देख रेख सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। अब आप इधर थोड़ा क्लोज लुक मैं दिखा रहा हूँ आपको, अभी जो पुल बन रहा है 6 लेन का दीदारगंज तक जाएगी, ये वो बियंड द क्या बोलते हैं इसको ग्रिल, बियंड द ग्रिल जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ तक संभव होगा, और कैमरा मूव करते हुए ये 6 लेन का ब्रिज है, यही है मैरीन ड्राइव जो कि आने वाले दिनों में बिहार की लाइफलाइन हो सकता है बन जाए, जैसे भी कॉल्ड है गंगा मैरीन ड्राइव। हाँ, इसको गंगा मैरीन ड्राइव कहा जाता है, जैसे मुंबई में मैरीना ड्राइव है, यहाँ के लिए गंगा मैरीन ड्राइव। ये गंगा के किनारे बहुत स्वच्छ और बहुत सुंदर पटना को प्रतीत करते हुए छठ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, घाट वाट क्लीन किया जाता है, उन सब चीज़ों से भी जिनको परेशानी होती है, जब मैरीन ड्राइव बन जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो जाएगी, फिर छठ घाट के लिए जो लोग गंगा में नहीं जाना चाहते, ऊपर से ही सिर्फ देखना चाहते हैं, व्यूज़ लेना चाहते हैं, उनके लिए एक व्यूज़ मिलेगा। एक अच्छा मौका है आज के बिहार के युवा को, मैं तो ये भी बोलूँगा कि सभी युवा लोग बिहार के आइए, ऊपर उठिए, और ऊपर उठिएगा अदरवाइज नहीं लीजिएगा, दैट मीन्स कि आप यहाँ ऊपर उठिए, यूट्यूब पे अपना काम कीजिए, या किसी भी फील्ड में जहाँ भी हैं आप सर्वश्रेष्ठ रहिए, बस अब इससे ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है अभी कुछ कहने के लिए। चलिए धन्यवाद। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, शेयर भी करिएगा, कमेंट भी, और भी कुछ हो सकता है तो सब कर दीजिएगा। हाँ।
दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलिए। जितने भी ग्रुप है ना, कम से कम 10-10 ग्रुप में आप भेजिए, और बिहार को प्राउड फील कराइए और बिहार को बहुत आगे ले जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बिहारियों के साथ, स्पेशल फॉर बिहार, हाई बिहार, जय बिहार, जय हिंद बिहार, जय भारत।